आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के लिए आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि आज की सुबह 8 बजे किसान नेताओं की बैठक है और इसी बैठक में तय होगा कि आंदोलन को कैसे बढ़ाना है। वैसे हरियाणा और यूपी से किसानों को दिल्ली जाने की हरी झंडी मिल गई है, लेकिन बीती रात सिंघू बॉर्डर से और मेरठ में दोराला टोल प्लाजा पर किसानों की रात कटी। एक और रात कट गई, लेकिन जिंदगी का अंधेरा कब छंटेगा? दिल्ली हरियाणा सिंधु बॉर्डर पर डटे किसानों के मन में यही सवाल घूमर रहा है। कृषि कानून के खिलाफ कई दिनों से आंदोलन कर रहे अन्नदाता दिल्ली हरियाणा सिंधु बॉर्डर पर बीती रात डटे रहे। चप्पे चप्पे पर फोर्स, कांटीले तारों की बैरिकेडिंग, घुप अंधेरा और सर्द रात, लेकिन मांग को लेकर टस से मस नहीं हुए किसान। कृषि कानून को किसान डेथ वारंट बताकर सरकार से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन तो होगा हर हाल में, सरकार कह रही है हम बातचीत करने के लिए। सरकार अगर बातचीत करती है तो बहुत बड़ी बात है। सरकार अगर बात करेगी तो हम यहीं से जाकर सरकार से बात कर लेंगे। अगर हमारा मसला हल हो जाएगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कानून वापस ले लेगी सरकार, हमारी फसलों को खरीदने का क्रय करने का कानून बन जाएगा, MSP ना तोड़ने का हमें मतलब कानून बना देगी सरकार, तो हम इस पे मतलब आंदोलन करने का हमें कोई शौक नहीं है, कोई चाव नहीं है। हमारे पास बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो इसको पूरी तरह स्टडी कर चुके हैं, जिन्होंने इसे निकाल लिया इसका रिजल्ट कि ये कानून है जो ये किसानों की मौत का डेथ वारंट है और ये किसी का हाल में किसान स्वीकार नहीं करेंगे। केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए किसानों को दिल्ली बुलाया है, लेकिन किसान पसोपेश में है, लिहाजा आंदोलन को लेकर किसान नेताओं की सुबह 8 बजे बैठक है। इसी बैठक में तय होना है कि आंदोलन को कैसे बढ़ाया जाए, सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन को जारी रखा जाए या फिर बुराड़ी मैदान जाकर आवाज बुलंद की जाए। किसानों के 32 संगठन आंदोलन में शामिल हैं। जिस बॉर्डर को तोड़कर किसान दिल्ली कूच करना चाह रहे थे, उसे हरियाणा सरकार ने खोल दिया है। बैरिकेडिंग हटा दी गई है, पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं, पंजाब से लगे सभी बॉर्डर खोल दिए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार बार बार किसानों से मिलने की बात कह रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने 3 दिसंबर की मुलाकात का ऑफर दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जा सकता। इस आंदोलन के पूर्व ही मैंने अपनी तरफ से सभी यूनियंस के नेताओं को आग्रह किया कि वो 3 दिसंबर को आए और बातचीत करें। आंदोलन करना व्यक्ति का अधिकार तो है, लेकिन आंदोलन से ही रास्ता नहीं निकलता, हमेशा चर्चा और संवाद से रास्ता निकलता है। यूपी में भी किसानों की रात मेरठ के दोराला टोल प्लाजा पर कटी, लेकिन यूपी पुलिस ने आगे का रास्ता साफ कर दिया है। सुबह 9 बजे से ही दिल्ली की ओर यूपी के किसान मार्च करेंगे। ये तो आंदोलन पूरे जो आज वाला आंदोलन है, ये यहाँ पे जो मुजफ्फरनगर से इकट्ठे थे हम, और ये पूरे प्रदेश भर में हर जिले पे ये आंदोलन है। और जो लोग दिल्ली आ सकते हैं उनको सबको कह दिया कि आप दिल्ली, जो नज़दीक के लोग यहाँ के हैं वे दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे, और जो गांव में भी लोग हैं वे पूर्ण रूप से नजरें गड़ाए हुए हैं कि हालात क्या होगी, तो उसी हिसाब से वो सेकेंड फेस वाले लोग हमारे साथ में आए। जिन किसानों के दम पर देश का चूल्हा जलता है, उनकी बातें जरूर सुनी जानी चाहिए, लेकिन इसके लिए आंदोलन कर रहे किसानों को भी 2 कदम आगे बढ़ना होगा। बातचीत के टेबल पर बैठ के ही आगे का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है, अन्नदाताओं की समस्या को दूर की जा सकती है। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। किसान देश का पेट भरते हैं, लेकिन पेट भरने वाले किसान अगर सत्ता की चौड़ी पर खड़े हो जाएं और संघर्ष करने लगे तो फिर उस संघर्ष की गूंज को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। किसान आंदोलन में भी बिल्कुल वही हो रहा है। पंजाब हरियाणा समेत कई राज्यों के किसानों ने मांग की है दिल्ली की सीमा में दाखिल होने की। अपने इंसाफ की मांग को लेकर वो लगातार आगे बढ़ते चले गए, लेकिन लगे हाथ किसानों के सवाल पर सियासी तूफान भी आ गया। ये किसानों की नवंबर क्रांति, ये हक की वो आवाज है जो दिल्ली की फिजाओं में गूंजने को मचल रही है। ये आक्रोश की वो चिंगारी है
जो ठंडे पानी की बौछारों से बुझती नहीं दिख रही। इन आंखों में बेबसी के वो आंसू हैं जो किसी आंसू गैस से धुलते नहीं दिख रहे। तो ये दिल्ली मार्च बता रहा है कि हल चलाने वाले किसान अपने खेती किसानी की मुश्किलों का हल निकालने के लिए किस हद तक बेचैन हो उठे हैं। ने पास किया वो वापस कराने की है, वो वापस करवा के जाएंगे। बिजली का बिल जो किया है वो वापस करवाएंगे, ना रुकेंगे। अगर कोई भी बैरियर आएगा तोड़ के जाएंगे। ये एमएसपी रखना चाहते हैं तो अब इसको संवैधानिक रूप क्यों नहीं दे सकते? संविधान में लिख दें, बल्कि एक अध्यादेश और लिया है भी, हम एमएसपी नहीं तोड़ेंगे और जो कोई तोड़ेगा इसमें कम रेट पर लेगा उसको लिए सजा का प्रावधान रखा जाए। किसानों की मांग पूरी नहीं होगी और अध्यादेश वापस नहीं लिए जाएंगे। ये तीन काले कानून हम चैन से नहीं बैठेंगे। कौन है ये किसान? आखिर क्या है इनका दर्द, इनकी बेबसी, जिसने इन्हें अपने गांव से, खेत खलिहानों से उठकर दिल्ली दरबार तक आने के लिए मजबूर कर दिया? इनकी मासूमियत और आक्रोश का सीधा नाता है या इसके पीछे किसी की सियासत भी काम कर रही है? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन पहले आप देखिए कि सादगी, संतोष और अहिंसा में जीने वाला किसान जब बेताब होता है तो उसकी आग कैसे बड़े बड़े तंत्र को झुलसाने लगती है। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सूबों की चौहद्दी किसानों की सामूहिक पीड़ा के विस्तार को रोक नहीं पाई। कहीं एक कोने से कुछ किसानों ने हुंकार भरी तो जगह जगह से एक जैसी आवाज उठने लगी। कहीं पंजाब में वायलेंस नहीं हुआ, इतना पीसफुली उनका आंदोलन चला और वो पीसफुली हाईवे के ऊपर निकल के दिल्ली जाना चाहते हैं। आप अपनी कैपिटल के ऊपर जाके प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते तो ये डेमोक्रेसी किस बात के लिए? हरियाणा सरकार ने रोकने का काम करा, उन पे आंसू गैस और पानी छोड़ने का काम करा, तो हमारी लड़ाई भारत सरकार से है, न कि किसी स्टेट से है। पहले पंजाब के किसानों ने कूच भरी, फिर हरियाणा के किसान जुट गए, फिर दिल्ली के किसान उसी रंग में रंगने लगे। उत्तर प्रदेश के किसानों ने देखा तो उनकी हुंकार से भी आंदोलन की तपिश बढ़ गई और उधर राजस्थान के किसान भी कहने लगे कि इन आवाजों में हमारी भी आवाज शामिल है। दिल्ली अपने जहांगीरी घंटे के लिए मशहूर है, इंसाफ का जहांगीर घंटा। अपने लिए इंसाफ का घंटा बजाते हुए किसानों ने दिल्ली को हर तरफ से घेर लिया। हम लोगों को परेशान मत किया जाए, हम लोग जाएंगे जंतर मंतर पर आराम से बैठेंगे। अगर आप लोग बोलोगे फासला करके बैठे, हम लोग फासला करके बैठेंगे। अगर आप लोग मास्क लाके बोलोगे तो मास्क लाके बैठेंगे। लेकिन अभी आप लोग हमारे साथ झगड़ा मत करो। सरकार वैसे ड्रामा कर रही है, सरकार कोई कोई उसका मन नहीं है। ये 3 तारीख को जुमला रखा हुआ है, ये पहले कर सकता था, ये 26 तारीख को जब हम इधर करना था प्रोटेस्ट। किसान अपने अनाज की कीमत चाहते हैं, ये पक्का करना चाहते हैं कि अधिकतम समर्थन मूल्य में चवन्नी की कमी ना हो। उनको डर है कि उनके खून पसीने की कमाई की कीमत कोई और न खा जाए, जबकि प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि उनके अन्नदाता के हितों से कोई समझौता नहीं हो सकता। एमएसपी को लेकर अफवाहें फैला रहे भाइयों और बहनों, ये एनडीए की ही सरकार है जिसने किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने की सिफारिश लागू की थी। इनके पास आज तक इसका जवाब नहीं है कि जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी पर फैसला क्यों नहीं लिया। किसानों ने हुंकार भरी है, सियासत उनके पीछे पीछे अपनी दलीलें लेकर दौड़ रही है, लेकिन किसानों के कदमों की रफ्तार से मिलान करने में वो हांफ जाती है, इसलिए वो आपस में भिड़ जाती है उन्हीं किसानों के नाम पर जो अपने हक के लिए दिल्ली तक संग्राम को खींच लाए हैं। ऐसा लगता है भाजपा की आत्मा के अंदर जनरल डायर की आत्मा प्रवेश कर गई है और इसीलिए
खट्टर सरकार जुल्म और बर्बरता की सारी हदें पार कर रही है। कांग्रेस पार्टी जो बहुत ही घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश कर रही है, 12,000 करोड़ का बजट था, 34,000 करोड़ का बजट मोदी जी ने किया। मोदी जी ने जो है वो किसान सम्मान निधि दी, जो किसानों के सम्मान के लिए ज़रूरी थी और वो दी गई। किसानों की कृषि बीमा योजना की गई। ऑल पार्टी मीटिंग की अगर आवश्यकता हो वो भी बुलाई जानी चाहिए और इस कानून में एक क्लोज जोड़ना चाहिए कि संज्ञेय अपराध होगा अगर किसान को कोई संस्था या व्यक्ति MSP देने से रोकता है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान यूनियन के नेताओं को विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो ऐसे सर्दी के मौसम में, कोविड के संकट में आंदोलन का रास्ता छोड़ें और वो दिल्ली आएंगे तो हम लोग जरूर उनसे चर्चा करेंगे और मुझे चर्चा करते हुए खुशी होगी। किसानों के हितों का सवाल वक्त बेवक्त अपना जवाब मांगता रहा है। एक बार फिर वो फिनिक्स की तरह अपनी ही राख से निकलकर खड़े हो गए हैं, ये कहते हुए कि साडा हक एते रख। आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।